हेलो डियर, स्वागत है आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस करवाने वाला हूं और ये प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो सीरीज का पांचवा पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी चारों पार्ट के लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो। और लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे अभी, और भाई ऐसे ही करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं इजी से लेकर आपके मॉडरेट डिफिकल्ट इस टाइप के जो है मिसलेनियस वो सारे कवर करने वाला हूं, तो डू नॉट वरी। सबसे पहले एक बार खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, करते हैं फिर शुरू। तो देखो भाई, उम्मीद करता हूं आपने रोक के सोल्व कर लिया होगा कि द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड After selling the article for ₹435। यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि भाई ₹625 में बेचकर जो प्रॉफिट हुआ, तो आपने क्या देखना है कि ₹625 में बेचकर अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इससे पीछे है, और प्रॉफिट मतलब कि फायदा। तो फायदा कितना होगा, कॉस्ट प्राइस से जितने ज्यादा में बेच दिया उतना फायदा होगा। तो 625 कॉस्ट प्राइस से मेरे को पता नहीं कितना आगे है, लेकिन कुछ आगे है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि 435 में बेचकर नुकसान हुआ है, तो 435 में बेचकर नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान हुआ है जितना इसमें फायदा हुआ था। मतलब 625 जितना आगे है, जितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उतना ही 435 कम है। मतलब ये जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही है, जितना फायदा हुआ था उतना ही नुकसान हुआ था। तो भाई सीधी सीधी बात है कि कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में है। अब बीच में है का क्या मतलब है, बीच में है का मतलब है कि इन दोनों की एवरेज है। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे तो सीधी बात है इन दोनों की एवरेज निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर लो और उसको दो से डिवाइड कर दो। तो भाई 400 और 600 हजार, 35 और 25 60, तो 1060 डिवाइडेड बाई 2 530, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब कि एग्जामिनर ने क्या बताया है, आपको इन दोनों डिस्टेंस के बारे में बताया है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन भी करते हैं और अगले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इसे खुद एक बार ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड ए टीवी फॉर 9400, 9400 का टीवी बेच दिया, देन ही लॉस्ट ए पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि जब उसने 9400 का टीवी बेचा वो कॉस्ट प्राइस से कम था, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, जितने में खरीदा था उससे कम में बेच पाया, तो इतना उसको नुकसान हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो अपने दिमाग में कर सकते हैं। When he sold another TV of the same type, उसी तरह का दूसरा टीवी उसने बेचा ₹10,600 का, His gain was double the former loss. तो अब की बार जो उसका फायदा था वो पुराने वाले लॉस से डबल था, मतलब 10,600 में उसने बेचा। तो अगर ये डिस्टेंस x था, मतलब यहां पर आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये डायग्राम तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज खुद भी सोच सकते हो कि इतने में बेचा तो फायदा डबल था, तो खुद सोचोगे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। किसका डबल था, जितना भी यहां पर नुकसान हुआ उससे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस 2x, दैट इज 3x। तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, 10,000 से ये 600 कम है, ये वाला 10,000 से 600 कम है, वो 10,000 से 600 ज्यादा है, मतलब कि ये आ गया 1200 और x की वैल्यू आ गई जी 400। तो अब यहां पर पूछा क्या है देख लेते हैं, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी। तो भाई यहां पर या तो आप यहां पर 400 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9800, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से 2x घटा सकते हो, मतलब यहां से 800 घटा सकते हो, 400 का डबल 2x घटाना है ना, तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अब बढ़ते हैं जी आगे, बस करते ही रहिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सेम तरह के, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, और जो कि मैं ये वीडियो लेट आके आया हूँ, लेट लेके आया हूँ, तो यार डो नॉट वरी, अब क्या करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे स्केड्यूल जो है वो फिट हो जाएगा, डो नॉट वरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 1060, ठीक है इतने में आर्टिकल बेचा, द गेन इज, ध्यान से सुनिएगा, द गेन इज 20% मोर, मतलब किसी आर्टिकल को 1060 पर बेच रहे थे तो कुछ ना कुछ गेन हो रहा था, चलो ठीक है, तो गेन हो रहा था ये जितना भी डिस्टेंस है ये, तो ये जो गेन है, दिस गेन इज 20% मोर, अच्छा ये गेन 20% मोर है किससे, देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 950, मतलब 950 में बेच रहे हैं तो हमें हो रहा था जी नुकसान, तो 950 में बेचने पर जितना नुकसान हो रहा था उससे 20% ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अब तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए कि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन किया ये वाला डिस्टेंस इससे डबल है, ट्रिपल है, चार गुना है, कुछ भी, अब एग्जामिनर बोल रहे ये वाला डिस्टेंस इससे 20% ज्यादा है तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये वाला डिस्टेंस अगर 100 है तो ये वाला डिस्टेंस 120 है, दिमाग में सोच सकते हैं, देन 20 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो दोनों डिस्टेंस का रेशियो 5:6 है। अब आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, अभी बता देते हैं, 1000 से 50 कम है, 1000 से 60 ज्यादा है, 110 का फर्क है, और 5 और 6 का सम कितना है 11 की जगह है 110, तो 5 की जगह होगा 50, 60 की जगह होगा 60, 6 की जगह होगा 60, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 950 में 50 जोड़ दो 1000, या फिर 1060 में 60 घटा दो 1000। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, वो जरूरी है, सीधा 1000 पे टिक नहीं मार देना है, एग्जामिनर ने पूछा है इन ऑर्डर टू गेन 20% 20% फायदा कमाने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो भाई कॉस्ट प्राइस ये है, 20% फायदा चाहिए, तो 1000 का 20% होता है जी 200, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा जी 1200, 20% फायदे के लिए, ठीक है, डन, डो नॉट वरी, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। और मेन बात क्या है मेरे भाई, मेन बात ये है कि आपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बस क्वेश्चंस पे ध्यान दिए रहते हैं, हमें और डिफिकल्ट कराओ और डिफिकल्ट कराओ, हैं, कंसेप्ट सीखते नहीं है, कंसेप्ट लिमिटेड हैं, एसएससी वालों के पास कंसेप्ट नहीं है, बार बार उन्हीं को यूज कर रहे हैं, तो उनका फायदा उठाओ, ठीक है। और रोज मैथ्स के नए कंसेप्ट नहीं बन रहे हैं, कभी कभी स्टूडेंट को यही बहम हो जाता है पता नहीं क्या दे दे, बिकॉज कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, फिर यही लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंसेप्ट बनाओ, जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ नोटबुक पर लिखो, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, ओके, देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से समझिएगा कि जब किसी चीज को डबल करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये है 5, ठीक है, ये है नंबर लाइन, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है 5, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो टोटल पूरा डिस्टेंस हो जाएगा जी 10, ये है डबलिंग की प्रोसेस। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जब सेलिंग प्राइस को डबल किया, मतलब पहले सेलिंग प्राइस इतना था, अब मेरे को पता नहीं कितना था सेलिंग प्राइस, मान लो ये 0 है, यहां से लेकर यहां तक सेलिंग प्राइस था, ठीक है, तो अब इसको डबल किया गया, तो जब इसको डबल किया गया, जैसे 5 को डबल किया तो 10 आया, ऐसे ही इसको डबल करेंगे तो जितना ये है उतना ही आगे सरक जाएगा, यहां पर चला जाएगा, एसपी डैश मैंने लगा दिया, समझने के लिए सोच लो, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो अब है क्या कि सेलिंग प्राइस डबल किया तो जो लॉस है वो उतने ही परसेंटेज में बदल गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये प्रोसीजर बता दिया, मैं एग्जाम में क्या करता वो बता रहा हूँ अभी मैं आपको, कि भाई मैं ऐसे करता कि ये कॉस्ट प्राइस है, पहले इंसान को हो रहा था लॉस, मैं मान लेता कि एक का लॉस हो रहा है, मैं सीधा ऐसे ही मान लेता कि एक का नुकसान हो रहा है, और जब सेलिंग प्राइस को डबल किया तो मैं मान लेता कि अब एक का फायदा हो रहा है, मेरी मर्जी कितने का भी लॉस और फायदा मान लूं, एक का मान लिया मैंने। लेकिन अब मेरी बात सुनो, जो पुराना सेलिंग प्राइस था उसको डबल किया गया है ना, पुराने सेलिंग प्राइस को, तो ये जो भी गैप है, ये जो भी गैप है ये उसी एसपी के बराबर है ना, मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर होगा, कंफ्यूज मत होना, थोड़े से अजीब वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि बस माइंड के अंदर डायग्रामेटिकली चीजें बैठे, वो जरूरी है, ट्रिक वगैरह भी तैयार की जा सकती है लेकिन उनका फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है क्योंकि इसको डबल किया गया, तो ये वाला डिस्टेंस है 2, तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 होएगा, समझ रहे हो, मतलब कि पहले सेलिंग प्राइस क्या था, पहले सेलिंग प्राइस था 2,
ठीक है, और उसको नुकसान हो रहा था एक का, तो लॉस वाज वन, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा जी, तीन, टोटल तीन में खरीद रहा है ना बंदा चीज को, और एक के नुकसान पर बेच रहा है। तो आपको एग्जाम में ये करना था, ऊपर वाली दोनों चीजें मैंने समझाने के लिए बताई है। तो यहां पर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, एक का नुकसान तीन पर, तो एक का नुकसान तीन पर दैट इज इक्वल टू 33.33%। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे भाई एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला क्वेश्चन, ये रहा भी अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कर लो इसे जल्दी। ए शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सनग्लासेस, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस का मतलब ये मत सोच लेना कि भाई दो सनग्लासेस बेचे, जब भी चश्मों की बात आए तो दो ग्लास है ना तो पेयर होता है, जब भी पेंट की बात आए ट्राउजर्स की तो ये पेयर ऑफ ट्राउजर्स होता है, जब भी सीजर की बात आए कैंची की तो कैंची के अंदर दो होते हैं ना तो ये पेयर ऑफ सीजर्स होता है, जब भी चिमटे की बात आए चिमटा ये पेयर ऑफ टोंग्स होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे कि भाई चश्मों को वो बेच रहा है 25% प्रॉफिट पर, ओके, इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि उसने चीज खरीदी 100 की और बेच रहा है 125% की, तभी तो 25% फायदा होगा ना, ये दिमाग में चलना है, ये लिखना नहीं है। अब लिखना क्या है वो बता देता हूं, इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस, अगर वो 25% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता 75%, 25% कम में खरीदता और बेचता कितने में, तो ये हो गया जी सेलिंग प्राइस, इतने में बेचता तो उसका, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 10 लेस, और 10 रुपए कम में बेचता, तो पहले जितने भी परसेंट में बेच रहा है उसे 10 रुपए कम में बेचता। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं और पता नहीं स्टूडेंट इनमें क्यों अटकते हैं। आपको एक अज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस दे दिया, एक अज्यूम्ड सेलिंग प्राइस दे दिया, एक अज्यूम्ड प्रॉफिट या लॉस दे देगा एग्जामिनर, देगा ही देगा, मजबूरी है उसकी, देन ही वुड हैव गेन्ड 40%, तब उसको 40% फायदा होता। तो एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि ये वाली चीज इससे 40% ज्यादा है, बस तभी तो 40% फायदा होगा ना, सेलिंग प्राइस 40% ज्यादा होगा तभी तो भाई इसमें इसका 40% निकाल के जोड़ दो, 40% या तो अलग से 40% निकाल के जोड़ दो, इसका 10% क्या है, 7.5, 7.5 का 4 गुना होता है 30, या तो मैंने वैसे जोड़ दिया, जब मैं इसको 40% बढ़ा दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, 125 में से मैंने एक चीज घटा दी 125% में से, तो आया 105%, तो क्या घटाया होगा, 125 में से क्या घटाऊं कि 105 आए, तो भाई 20% घटाऊं, मतलब कि 20% है 10। अब भाई 20% 10 है, मतलब 20 का आधा है ना, तो 100% क्या होएगा, तो 50। अब ये परसेंटेज किसकी परसेंटेज चल रही है, ये चल रही है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 50, वही पूछा एग्जामिनर ने। अब ऐसा ही, अब ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, कम से कम लिख के निकालना है अगर सीखना चाहते हो, अब टाइम पास करना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है, सीखना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को जो अभी स्क्रीन पर आ गया है इसको करो भाई, कम से कम लिख कर पॉज करके वीडियो को, है जी, और मैं भी कम से कम लिखकर बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कम से कम भी लिखें, कंफ्यूजन भी ना हो। ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए गेन ऑफ 10%, तो 100 की खरीदता है 110 की बेचता है, ठीक है, 10% फायदे पे बेचता है, तो 100 110, इफ ही हैड बोट इट एट 4% लेस, तो पहले 100% की खरीदी थी अब 4% लेस, मतलब कि 96 की खरीदता, ये हो गया मेरे भाई कॉस्ट प्राइस अगर 96 की खरीदता, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर, और 6 रुपए ज्यादा में बेचता, पहले कितने में बेच रहा था, 100 की खरीद के 110 में, अब कितने में बेचेगा, 110% प्लस 6 रुपए, ठीक है, अगर ये कॉस्ट प्राइस होता ये सेलिंग प्राइस होता तो उसको फायदा होता 18.34% का। तो एग्जामिनर सीधी सी बात ये कह रहा है कि ये वाली चीज इससे 18.34% ज्यादा है, तो ये चीज भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए बोल दिया। अब लिखते क्या एग्जाम में, ये लिखते सबसे पहले तो आप इसका 18.34% निकालोगे, तो एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 18 चौके 72 और 3 75/4%, अब मैं इसका 75/4% निकाल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है,
अब मैं क्या कर सकता हूं 75/4% निकालने के लिए, इसका मैं 75% निकाल लेता हूं। 75% क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वो 3/4 होता है। तो भाई इसका 3/4 तो मैं मेंटली निकाल लेता, लेकिन ये कितना होता है, 24 चौके 24 72, लेकिन 75% नहीं निकालना था, 75% का चौथा हिस्सा निकालना था 75/4। तो भाई ये वो हो जाएगा जी 18% उसका चौथा हिस्सा मैंने कर लिया ना। तो अब इसमें मैं जोड़ूं 18% तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बस यही है सिंपल सी बात। अब देखिए अब क्या रह गया इक्वेशन में, अब 18 3 75/4 स्टूडेंट वैसे मुश्किल निकालते, तो 75 तो निकाल ही सकते हो ना, चौथा हिस्सा करने में कितनी देर लगती है। तो इसको अगर मैं जोड़ू तो ये हो जाएगा भाई 114% इज इक्वल टू 110 + 6। तो 110 में क्या जोड़ू कि 14 है, 4%। तो भाई 4% की वैल्यू 6, 2% की वैल्यू 3, आधा कर दें तो 100% की वैल्यू, इसको 50 गुना कर दो जी 150, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 150 कॉस्ट प्राइस पहुंचा है। और आगे से ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्ट करवा दूं, कैसे भी करवा दूं, कंसेप्ट सीखो, ऐसा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर दो, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना। अब भाई एक और टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ, कोई भी आजकल जो कर रहे हैं कहीं पर भी, मतलब पता नहीं लंबे लंबे तरीकों से कर रहे हैं, विदिन 4 to 5 seconds इनका आंसर आएगा, विदिन 4 to 5 seconds कोई भी कर सकता है। लेकिन कॉमन सेंस की बात करूँगा मैं यहाँ पर, फॉर्मूले की बात नहीं करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दो केस कंपेयर करवाऊंगा। देखो बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस, तो स्टार्टिंग में कितने ऑरेंजेस बेच रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 12। ये चीज सोल्व करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। कितने रुपए में बेच रहा है भाई, 60 रुपए में बेच रहा है, और कितने का फायदा या नुकसान कमा रहा है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है। अब यहां पर आप फायदा या नुकसान नहीं लिखेंगे, नुकसान 25% है तो 75% लिखेंगे कि भाई कितने परसेंट रुपए वो कमा पा रहा है। 25% का अगर नुकसान हो जाए तो सिर्फ 75% रुपए कमा पाता है बंदा। अब ये तो गिवन है, जो जिस सिचुएशन के लिए पूछा है ना वो लिख देता हूं मैं। अब यहां पर जो मेथड मैं फॉलो करूंगा ना वो है इनवर्स रिलेशन का, इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशन का, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और ये कंफ्यूजन भी बड़ा करता है ये वाला मेथड। तो भाई 100 रुपए के अंदर वो कितने संतरे बेचे ताकि उसको 25% का फायदा हो, मतलब कि 125% रुपए रिकवर कर पाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 4 सेकंड में खत्म। ऐसा कितना भी क्वेश्चन हो, कितनी भी कंडीशन क्यों ना लगा दे एग्जामिनर, चैलेंज है, 4-5 सेकंड में खत्म। देखो यहां पर आपने उठाना है पिछले वाला नंबर 12 इंटू, अब आप एसपी को भूल जाओ, खत्म करो इसको, एक एक चीज को इंडिविजुअली, बोलते हैं ना लड़ाई में एक एक करके आओ तो देखूंगा, बस यही बात है यहां पर भी, एक एक करके आओ, इसको एक बार भूल जाओ। यहां पर देखो पहले 60 रुपए में संतरे बेच रहा था, अब 100 में, तो ये बताओ 100 में ज्यादा बेचेगा या कम, उसको भूल जाओ, 100 में ज्यादा बेचेगा या कम, 100 में ज्यादा बेचेगा। तो भाई बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, अगर ज्यादा बेचेगा तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो जो भी इनसे बनती है। ये मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर वर्किंग के साथ समझा चुका हूं, तो हर एक वीडियो में वर्किंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बड़ी फ्रैक्शन से, अगर यहां पर 60 की जगह भाई 35 होता तो छोटी फ्रैक्शन से 35/60। अब इसको भूल जाओ भाई कंप्लीटली, इसको हम नहीं जानते, इसको ध्यान रखो। अब होएगा कंफ्यूजन स्टार्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सबसे बड़ा डेंजर होता है, यहां पर उसे कितने रुपए कमाने हैं, ज्यादा या कम, मतलब कितने रुपए कमाने हैं, ज्यादा कमाने हैं ना मेरे भाई, 125% कमाने हैं। तो अगर आपको, मान लो आप एक संतरे वाले हो, आप रोज एक टोकरी संतरे लेके आते हो, आपको उसी टोकरी संतरे में से ज्यादा फायदा कमाना है, अभी घर नहीं चल रहा, तो आप उतने जो नंबर ऑफ संतरा है इसके ऊपर इफेक्ट देखना है, नंबर ऑफ संतरा, ठीक है। तो ज्यादा फायदा कमाने के लिए उतने ही रुपए में कम संतरे बेचोगे या ज्यादा, आप ट्राई करोगे कि 5 रुपए में कोई कम से कम संतरे लेके जाए। ये नहीं है कि 5 रुपए में 5 ले जाए, 5 में 4 ले जाए तो और मजे, 3 ले जाए तो और मजे, समझ गए, ये बात है। मतलब कि
इसका इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है वो समझने वाली बात है। अगर आपको ज्यादा मनी अर्न करना है तो नंबर ऑफ संतरा कम बेचना है तो यहां पर छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, अदरवाइज सर्च कर लेना यूट्यूब पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाई इवन, वहां पर ये मैंने बताया है कंसेप्ट उस सीरीज के अंदर। तो बस भाई यही बात थी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, ये 3-4 सेकंड की बात है। 25, 3, 5 ये क्या होता है जी 5, तो इससे ये 5 गया, देन 3, 3 तो आंसर विल बी 12। नंबर ऑफ संतराज ये 3/5 हो गए, 5/3, ठीक है, नंबर ऑफ संतराज विल बी 12। अब आप बोलोगे कि भाई और क्वेश्चन भी कराओ, तो डू नॉट वरी, टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही और क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब ध्यान से सुनो भाई, देखो अब कैसे हम इन क्वेश्चंस को, इसको भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, अगले वाले को ऐसे चुटकियों में करेंगे। बाई सेलिंग 80 बॉल पेंस, तो भाई कितने बॉल पेंस बेच रहा है, 80 बॉल पेंस, ठीक है, कितने रुपए के, 140 रुपए के, और उसको नुकसान हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है जी, 70% रिकवर कर पा रहा है, बस नुकसान हो रहा है बेचारे को। हाउ मेनी बॉल पेंस शुड ही सेल, कितने सेल करे, कितने रुपए में, 104 में, ताकि उसको 30% फायदा हो जाए। तो देखो मेरे भाई 80×something करने वाले हैं, अब इसको भूल जाओ, ये बताओ कम रुपए है ना, कम रुपए में इसका असर इस पर क्या पड़ा, कम रुपए में कम बॉल पेन बेचेगा, तो 104/140। अब यहां पर देखो इसको भूल जाओ कि यहां पर उसको फायदा कमाना है, तो भाई फायदा कमाना है पिछली वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में, फायदा कमाना है तो कम बॉल पेन बेचेगा उतने रुपए में, तो भाई कम के लिए छोटी फ्रैक्शन, 70/130 है, मैंने 7/13 कर ली, तो भाई 7 से ये जाएगा 20, से ये जाएगा 4 पे, 13 से ये जाएगा जी 8 पे, तो 8×32 आंसर होएगा। मैं एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना लिखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, चाहे लाइन लगा दो कंडीशंस की, नहीं रुकना भाई, ऐसे आंसर आएगा सीधा सीधा, बट कॉमन सेंस ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी आगे, ये लो ये वाला क्वेश्चन करो भाई इसी तरीके से, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, वीडियो पॉज करके ये करो एक बार। बाय सेलिंग 4 articles for 1 rupee, चलो फिर भी मैं लिख ही देता हूँ मेरे भाई, ये ना हो एक आधे को समझ में ना आए फिर गड़बड़ हो जाएगा, कितने रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए में, एमएन लूजिस, और भाई एसपी कितना है, 96%, ठीक है। हेड ही सोल्ड 3 articles, तो भाई 3 article बेचता, ठीक है, पर रुपी 1 रुपए में, तो कितना फायदा है नुकसान होता है ये पूछ रहे हैं, तो अब की बार वैल्यू उठाएंगे ये वाली। और हाँ, अब कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं भाई, जो भी चीज है ना उसका असर इस पे देखना कि भाई एसपी पर क्या असर पड़ रहा है बस। तो देखो रुपए रुपए सेम है, भूल जाओ इसे, सेम ही है, तो क्या असर डालेगा ये, अगले को देखो। अब देखो कितने पेन बेच रहा है, अब उतने ही रुपए में कम बेच रहा है या ज्यादा, हम इसमें चेंज देखेंगे और फिर देखेंगे उस चेंज का इस पर क्या असर पड़ा, इसमें क्या चेंज आया कि कम पेन बेच रहा है। अगर कम पेन बेचेगा, अब ये मत बोलना कम बेचेगा तो नुकसान होगा, नहीं, एक बंदा बस के अंदर, 2 बंदे आए, एक तो 10 रुपए में 3 पेन दे रहा है, एक 5 पेन दे रहा है, तो 5 पेन वाला नुकसान में रहेगा ना, 10 रुपए में 5 देगा तो ये मत सोचना ज्यादा बेचेगा तो फायदे में रहेगा, उतने ही रुपए में ज्यादा देगा तो नुकसान में रहेगा। तो यहां पर उतने ही रुपए में ये बंदा कम पेन दे रहा है, अगर कम पेन दे रहा है तो फायदा होगा, मतलब बड़ी फ्रैक्शन ज्यादा कमा पाएगा ना, तो 4/3, 3 से काट दिया, 32×, ये हो जाएगा जी 128, तो 128 ये आ गया हमारा, 128%, तो कितना फायदा होगा मेरे भाई, 28%। अब यहां पर तो ₹11 था, तो हो सकता है आप नॉर्मली भी जल्दी निकाल पाए हों, अगर यहां पर मैं कुछ भी कर दूंगा, 5 कटने वाली वैल्यू कर लेते हैं, 2-3 ऐसे कर दूंगा, तो फिर नॉर्मल वे से बिना वजह फिर टाइम लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चुटकियों में आंसर आएगा, देखो इस कंडीशन का निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये 96×, अब ज्यादा रुपये में बेचेगा मेरा भाई ज्यादा पेन, ठीक है, ज्यादा रुपये में एसपी ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर वही फर्क पड़ने वाला है, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 4×3 = 3, 3×3 = 2, तो 96×104 = 8 गया 192, तो यहां पर हो जाएगा 92% प्रॉफिट। ठीक है, दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लो भाई, ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। ए पर्सन बोट 2 bicycles for ₹1600, 1600 रुपए में 2 bicycle खरीदी,
एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड द सेकेंड एट 20% प्रॉफिट। यहाँ पर यार मैं लिखना नहीं चाह रहा इस क्वेश्चन के लिए, तो अपना दिमाग थोड़ा सा अलर्ट रखना, इतना लिखने वाला क्वेश्चन है नहीं, और ये कई बार आते हैं और ये डिफिकल्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो भाई उस आदमी ने दो साइकिल खरीदी हैं, पहली पे 10% फायदा हुआ है और दूसरी पे 20% फायदा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली साइकिल उसने एफ रुपए में खरीदी, दूसरी साइकिल उसने एस रुपए में खरीदी, सेकंड साइकिल, और दोनों का सम है 1600, एफ प्लस एस इज 1600। पहली पे उसे फायदा हुआ, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन का डर लगता है, 10% ऑफ एफ, और दूसरी पे उसे फायदा हुआ 20% ऑफ एस, ठीक है। अब फिर से क्या बता रहा है, इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, अगर पहली को 20% प्रॉफिट, दूसरी को 10% प्रॉफिट पर बेचता, 10% ऑफ एस पर बेचता, तो जो डिफरेंस आना था वो 5 रुपए का आना था। तो आपने दोनों सिचुएशन में डिफरेंस देखना है बस, या तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, बस यही बात है। तो दूसरी वाली केस में क्या कर रहा था, 5 रुपए ज्यादा कमा रहा है ना, तो इसमें से मैं ऊपर वाली घटा रहा हूं, इसमें 5 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो 20 फर्स्ट में से 10 फर्स्ट गए, 10% ऑफ फर्स्ट, इसमें से ये जाएगा, तो भाई अब ऑफकोर्स साइन तो माइनस का आएगा ना, तो -10% ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 5 रुपए। अब बस यहां पर आंसर आ गया एग्जामिनर। अब देखो एफ का भी 10%, एस का भी 10%, तो 10% ऑफ एफ माइनस एस, एफ और एस के फर्क का 10% 5 है, तो इन दोनों के डिफरेंस का 10% 5 है, तो इन दोनों के डिफरेंस का 100% 50 होगा, 100% मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 50 होगा। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 50 आंसर है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल, ये हम सोच सकते थे स्टेटमेंट से। अब कभी कभी स्टूडेंट बोलता है कि अगर भाई कॉस्ट प्राइस पूछ लिया तो हर एक का अलग अलग, तो वो भी बड़ी बात नहीं भाई, एफ प्लस एस पता है, एफ माइनस एस पता है, तो भाई इस 1600 को तोड़ लो ऐसे दो वैल्यूज में जिनमें 50 का फर्क हो, तो 825 और 775 हो गए, खत्म बात, इसको तोड़ दो ऐसे। कैसे तोड़ना है मैंने बताया है, अब हर एक वीडियो में हर एक चीज तो बताई नहीं जा सकती। अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन, ट्राई करो भाई जरा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, ट्राई करोगे तो ही मजा आएगा, ठीक है, नहीं तो भाई सजा आएगा, मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा, खुद दिमाग नहीं लगाओगे तो। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ओके, तो भाई ए ने बी को, अब यहां पर क्या है, मैं आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी बता सकता हूं कि भाई ए प्लस ए इंटू ए बाई 100 टाइप करके, ठीक है, अलग अलग से डेवलप किए जा सकते हैं, आपको 4-5 केस भी रटवा सकता हूं, लेकिन आपको कंफ्यूज करके मुझे मिलेगा क्या, समझ रहे हो, अगर मुझे बताना ही है तो क्लियरली एक रामबाण दे दूं ना, मेरा टाइम लगना ही है तो एक रामबाण दे दूं जिससे सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएंगी, तो फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ना, कई लोग फॉर्मूले ही रटवाते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज द किंग, ठीक है, दैट्स इट, फॉर्मूले उनके लिए होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो देख लो आप कहां पर स्टैंड करते हो। अब देखिए भाई, ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा, मतलब ए 100 में लाता है तो 110 में बेच देता है 10% फायदे पर, ऐसे ऐसे केस को चुटकियों में कर लोगे, ये नहीं है कि फॉर्मूले वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, अरे मजा ली नहीं है मेरे भाई। देन बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए, तो यहां पर बी ने ए को आर्टिकल फिर से बेच दिया, कितने में बेच दिया, 10% लॉस पर, तो भाई 10% लॉस पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, इसका 10% कितना है, 11, तो वो बेचेगा 99 में, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए ने स्टार्टिंग में आर्टिकल कितने में खरीदा था, 100 में, तो ए की इस बिजनेस के ऊपर लागत, ए का खर्चा बिजनेस पर 100 रुपए है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 100 पर कैलकुलेट होगा, तो ए को बेचते वक्त कितने का फायदा हुआ था, ए को बेचते वक्त फायदा हुआ था 10 का, तो ए को 10 का फायदा तो हो चुका। अब ए ने जो आर्टिकल 100 का है वो कितने में खरीद लिया वापिस, 99 में, यहां पर फिर से 1 का फायदा कमा गया, बिजनेसमैन है भाई, समझ गए, जो 100 की चीज है वो 99 में खरीद ली, तो 1 का फायदा यहां पर कमा गया, तो भाई 11 का फायदा हो गया 100 पर, तो 11%, दैट्स इट, खत्म बात, क्यों रटे फॉर्मूले, फॉर्मूला तो हर एक कंडीशन के साथ बदलेगा, समझ गए। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको बी और ए का अलग अलग बता देता हूं, कि जब भी वो पूछे बी को कितना नुकसान हुआ, तो बी को तो उसने खुद बताया 10% नुकसान हुआ है, आपने जाते बारी भी आते बारी भी ए ने दोनों बारी फायदा कमाया है, जाते बारी 10 रुपए का कमा गया, आते बारी उससे कम में सामान ले लिया, ये सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको। अगर अब मैं यहां पर इस सिचुएशन को चेंज कर दूं, मान लो
क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। मान लो बी भाई साहब जो हैं, बी भाई साहब ने वापस जाते हुए 20% लॉस पर बेच दिया, तो 20% लॉस पर बेचेगा तो 110 का 20% है जी 22, तो इसमें से 22 कटाएंगे तो आएगा जी 88, तो उसने 88 रुपये का बेच दिया। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ए ने जाते बारी तो 10 रुपये का फायदा ले लिया और आते बारी 12 रुपये कमा गया, 100 की चीज 88 में खरीद गया, अरे वाह, मतलब कि 22% का फायदा ले गया, दैट्स इट, क्यों टेंशन ले। ठीक है, चलो एक और चीज बताता हूं, फिर से कंडीशन बदलता हूं। मान लो बी ने ये चीज वापिस बेचते हुए, ठीक है, मतलब ऐसे आप खेल सकते हो यार, क्या बात है, कि ए ने बी को 20% फायदे में बेचा था, ठीक है, और बी ने वापिस बेचते हुए 10% फायदे में उसको बेचा है, ठीक है, इसने इसको 10% फायदे में बेचा। तो अब आप क्या देखोगे, ए ने 100 रुपए लगाए, उस साइड जाते हुए उसने 20 रुपए कमा लिए, अरे वाह शाबाश, लेकिन आते हुए इसने ये चीज कितने में बेची, 10% फायदे में बेची, तो इसका 10% है 12, मतलब ये बेची 132 की, चिपका दी उसको 132 की। तो यहां पर देखो, ए ने 100 रुपए की चीज कितने में खरीदी, 100 रुपए की चीज 132 में खरीद के बैठा है डॉन, तो भाई यहां पर 32 का नुकसान हो गया उसको, ठीक है, तो 32 का नुकसान, तो यहां पर ए को ओवरऑल नुकसान हो गया है कितने का, 12 का, 12 का नुकसान 100 पर 12%। तो सिंपल सी सिचुएशन है, यहां पर मैंने इतनी बार आपको लिख के बता दी, जब भी ये क्वेश्चन आए ना आगे से देख लेना, जाते हुए ये फायदा आते हुए ये नुकसान, डन, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो के अंदर, अब अगर आपको ये पसंद आए तो भाई एक तो इसको लाइक कर दो, अगर आप नए पर्सन है तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। बाकी बाय बाय, फिर से मिलते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।